यूपी के निकाय चुनाव में वोटिंग को लेकर जहां एक ओर भगदड़ मची हुई, वहीं इस चुनाव में उस समय हड़कंप मच गया जब विवादित बयानों में हमेशा सुर्खियों में रहने वाले उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज का ही नाम उनके संसदीय क्षेत्र से गायब हो गया। इस घटना से प्रशासनिक व्यवस्था व चुनाव आयोग पर भी एक बड़ा सवाल निशान खड़ा हो गया है। वहीं कांग्रेस पूर्व सांसद अन्नू टंडन ने वोटर आईडी कार्ड बने होने के बावजूद वोट न डाल पाने पर बड़ी गड़बड़ होने की बात कहते हुए इसकी शिकायत जिला अधिकारी से करने की बात कही। उन्नाव के भाजपा सांसद साक्षी महाराज व पूर्व सांसद अन्नू टंडन का ही वोट कार्ड दिया गया। इसे निर्वाचन आयोग की गलती समझे या फिर दलीय राजनीति, डीएम ने एसडीएम की टीम बनाकर जांच के बाद सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आपका वोटर लिस्ट से नाम गया है तो इसको आप किसको ठहराती हैं इसकी? अब ये जो भी अधिकारी वहाँ पर नाम लिस्ट बना रहा था उसने अगर मेरा नाम काट दिया है और मेरे परिवार के लोगों का नाम है तो मुझे ताज्जुब होता है। मैंने डीएम को रिपोर्ट की है, ये बात आरओ को भी मैसेज भेजा है। आईडी कार्ड मेरे पास है, मेरा अधिकार है कि मैं वोट डालूंगी। अभी तक वोट पड़ा ही नहीं पड़ा, अभी वोट नहीं पड़ा है तभी तो ये बात कर। किसको आप किस अधिकारी को जिम्मेदार समझती हैं? कोई अधिकारी एक कौन जिम्मेदार है जिसने टाइपिंग की और कौन अधिकारी मैनेज कर रहा था मुझे नहीं मालूम है। मैं तो सिर्फ डीएम को शिकायत कर सकती हूँ। राहुल गांधी जी कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं तो इस पर क्या कहेंगे? मुझे बहुत खुशी है। और जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों निकाय चुनाव में जो है प्रचार प्रसार कर लेते हैं, इसमें क्या कहना चाहेंगे? प्रचार करा है निकाय चुनाव को लेकर खूब, काफी बड़े नेता जो है इसमें मैदान में उतरे थे, इस पर क्या कहना चाहेंगे? हमने भी अपना प्रचार प्रसार किया है और जनता हमारे साथ। नहीं, समाजवादी पार्टी ने उनके काफी बड़े बड़े लीडर और बड़े बड़े नेता जो है मैदान में उतरे थे एकदम पूरी ताकत, उन्होंने जो किया उनके बारे में उनसे पूछिए, हमारे बारे में हमसे पूछिए। तो आपको क्या लगता है निकाय चुनाव में उन्नाव की क्या राजनीति होगी? कोई राजनीति नहीं है, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता को चुनने का अधिकार है और हम लोगों ने पूर्ण काम उस तरीके से किया है कि जनता हमारे साथ। यहाँ के जो एडीएम है जिस निकाय चुनाव के जो लिस्ट बन रही थी उसको देख रहे थे, वो तो बहुत पुराने। तो मैंने सुबह 7:30 बजे ही डीएम को और एसडीओ को फ़ोन किया, अपनी आपत्ति दर्ज कराई, ऐसे ऐसे मेरा नाम नहीं है, क्या हो सकता है, सरकार हमारी है, वही प्रशासन की बहुत बड़ी चूक हो गई। तो डीएम साहब स्वयं बहुत अचंभित थे, ये कैसे हो गया, आपका नाम कैसे रह गया? परंतु रह गया तो रह गया, बल्कि हमें यहाँ पर हम लोग 4-5 प्राणी हैं इस आश्रम में, तो किसी का भी नाम नहीं है यहाँ तक। बीएलओ क्यों नहीं आया मैं नहीं जानता। महाराज जी ये क्या चूक समझ में आ रही है या कोई राजनीतिक साजिश भी समझ में आ रही है आपको? मुझे तो राजनीतिक साजिश ही समझ में आती है, चूक इसलिए नहीं हो सकती कि मैं सांसद हूँ। तो कौन अधिकारी इसके लिए दोषी और क्यों दोषी है? आपने सांसद का नाम क्यों नहीं दिया और सांसद के यहाँ लोग परिवार के जो भी लोग रहते हैं आपने किसी का भी नाम नहीं दिया, यहाँ तक कोई आया क्यों नहीं, तो ये चूक कैसे हो सकती है? अभी मेरे संज्ञान में आए हुए हैं सुबह, तो मैंने इसको जो भी बीएलओ जिनका ड्यूटी वहाँ लगाया गया था उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए कह दिया हूँ। जो त्रुटि हुआ है ये बिल्कुल क्षम्य अपराध है, इसमें सभी बीएलओ को पहले ही ड्यूटी लगाया गया था कि उनको डोर टू सर्वे करके जिनका भी वोट बनना चाहिए था वो कैसा त्रुटि हुआ है इसको देखना चाहिए। और इसमें हमने एसडीएम को कह दिया है कि टीम गठित करके इंक्वायरी करके जो भी इसमें बीएलओ का त्रुटि हुआ है उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए बता दिया। उन्नाव से शबान मलिक की रिपोर्ट।